नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ मंजू पांडे। दोस्तों, आज मैं आपको ये वाटर प्लांट एक मैंने लगा रखा है, इसको मैं आपको दिखाऊंगी और इसका परिचय कराऊंगी। ये भी एक तरह का, हम लोगों के यहाँ इसको जलकुंभी बोलते हैं, वैसे लोग वाटर कैबेज भी कहते हैं। वाटर कैबेज जल पानी के वाटर कैबेज की भी कई वेराइटीज आती हैं। एक है जिसमें फूल आते हैं और उसकी पत्ती थोड़ा गोल गोल और बड़ी बड़ी होती हैं पत्तियाँ, वो एक वेराइटी वो है। लेकिन हम लोगों के यहाँ एक वेराइटी ये भी पाई जाती है, इसमें फूल नहीं आते हैं, लेकिन इसके देखिए, ये देखिए ऐसे ऐसे पत्तियों का आकार जो है, ऐसे गोलाई लिए हुए, ये बहुत ही सुंदर लगता है। अगर कहा जाए तो असली में वाटर कैबेज यही है। कैबेज मतलब पत्ता गोभी। पत्ता गोभी पहले ऐसे ही बनती है, फिर उसमें वो पत्ती का वो बनता है राउंड शेप में, तब उसे बंद गोभी कहा जाता है। उसी आकार का इसमें, जैसे वो शुरुआत में अपने अर्ली स्टेज में होता है, उसी तरह का ये देखिए इसमें ज़्यादा सुंदर बना हुआ है। अभी मैंने जल्दी ही लगाया है इसको, एक हफ्ता 10 दिन हो गया, तो मैंने 2-4 लगाया था। देखिए ये छोटे से टब में लगाया है, लेकिन ये पूरा भर गया है। जिसमें फूल आते हैं वो जो है, जिसकी पत्तियां बड़ी बड़ी होती हैं, उसको भी मैं सोच रही थी लगाने को, लेकिन वो मुझे मिल नहीं पाया। पहले मेरे यहाँ बहुत था, मेरे घर के बगल पानी भरा रहता था और उसमें बहुत था, तब मैंने सोचा नहीं लगाने का। अब सोचा तो वो मुझे मिला नहीं, यही मिला सो मैंने यही लगा लिया। देखिए तब भी हरियाली और पानी का एक पौधा मुझे मिल गया, और मुझे बहुत अच्छा फील होता है इसको देखते हैं। और मेरे लोटस का ये हाल है, देखिए मेरे लोटस में अभी फूल तो नहीं आए हैं, लेकिन एक एयर लीव्स आ गई हैं। लोग कहते हैं एयर लीव्स आने के बाद फूल आते हैं। अब देखिए मैं इसमें जो कुछ रिक्वायर्ड है वो सब करती रहती हूँ। और ये तो काफ़ी बड़े टब में मैंने लगा रखा है। और ये देखिए, ये एक मैंने ये मटके में, मटका फूट गया था उसमें लगा दिया था। इसको मैंने खुद ही बीज से ग्रो किया था और खुद मैंने लगाया था। इसमें तो काफ़ी एयर लीव से आई हैं, ये देखिए। ये उस टब वाले से पहले का है, लेकिन पता नहीं इसमें कब फूल आएंगे। एयर लीव्स तो इसमें कब से आ रही है, देखिए कितनी सुंदर सुंदर पत्तियाँ हैं। दोस्तों ये देखिए मेरे नाग चंपा में कितनी फ्लावरिंग हो रही। देखिए जब मैंने इसको लगाया था तो केवल इसमें एक टहनी में एक पंच था। अब देखिए 1-2 इसमें देखिए नीचे भी बन रहा है, ये बन रहा है। ये देखिए ये मेरी कुल मेहंदी में, गुल दोपहरी में देखिए कितने अच्छे फ्लावर्स आए। इसके फ्लावर्स बहुत सुंदर लगते हैं, आते हैं, पर ये जो है एक दिन में ही स्पेंड हो जाते हैं। इसके फ्लावर्स की सबसे बड़ी कमी ये है, सुंदर बहुत लगते हैं। ये देखिए, तो देखिए आज मेरे वाइट अपराजिता में कितना सुंदर फूल आए हैं, ये देखिए। और दोस्तों, जो मैंने जुलाई में आपको ये चांदनी की कटिंग लगाना दिखाया था, लिंक में डाल दूंगी, वो देखिए इसमें, ये देखिए कलियां, एक ये एक ये देखिए कलियां बनने लगी हैं। ये देखिए उधर भी, वो देखो सब कलियां, ये देखिए कलियां, देखिए कितनी बढ़िया आ रही हैं। और अभी इसको 2.5 महीना
हुआ होगा लगाए, 2.5 महीना भी सही से नहीं। और उसमें एक वो छोटा सा सिलोसिया का पौधा दिखाया था, देखिए सिलोसिया भी है इतना बड़ा। धन्यवाद दोस्तों, मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद, हैप्पी गार्डनिंग।